वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम टिकट एल्बम पाठ के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था, यानी कि इस कहानी को पढ़ा था और उसके अर्थ को समझा था कि इसमें हमें क्या बताया गया है। आज हम इसके कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। पर हमारा पहला प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के, यानी कि जो नागराजन के पास एल्बम थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? यानी कि जो नागराजन के पास बच्चों एल्बम थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर, यानी कि जहां हम अपना नाम वगैरह लिखते हैं ना बेटा, उसको मुख्य पृष्ठ बोलते हैं, पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या पड़ा? चलिए इसका उत्तर पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था, यानी कि जो नागराजन की एल्बम थी उसके मुख्य पृष्ठ पर एक तो उसका नाम लिखा हुआ था A.M. नागराजन, और नीचे नाम के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, जो पंक्तियां इस प्रकार है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। देखो बच्चों, वैसे तो हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा फिर से समझते हैं कि इन लाइनों का क्या मतलब। उन्होंने लिखा है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, यानी कि जो भी इस एल्बम को चुराएगा वो कौन है? बेशरम है। और जो ऊपर नाम लिखा है, यानी कि A.M. नागराजन, क्या तुमने कभी इसको, इस आदमी को कभी देखा है? और यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी रहेगी। बेटा घास तो हमेशा ही हरी है, और आगे भी घास कैसी होती है? हरी ही रहेगी। और कमल लाल, यानी कि कमल तो हमेशा ही लाल रहेगा। और सूरज पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, तो ये तो बच्चों जब से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा सदियों से यही चलता आ रहा है कि सूरज उगता तो पूरब से है और छिपता पश्चिम में है, यानी कि ये काम, ये चीज तो हमेशा, तब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये रहेगा, तब तक घास भी हरी रहेगी, सूरज भी पूरब से उगेगा और छिपेगा भी पश्चिम में, तो यानी कि अनंत काल तक, यानी कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा, इसे कोई चुरा नहीं सकता, जो चुराएगा वही बेशरम है। इन पंक्तियों को लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य था, यानी कि इन पंक्तियों को लिखने का सिर्फ यही कारण था कि इस एल्बम को कोई चुराए ना, ये सारी बातें पढ़कर एल्बम को कोई चुराए ना। और क्लास कक्षा के लड़के लड़कियों को यह पंक्तियां बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी कॉपी किताब और जिनके पास भी एल्बम थी, उन्होंने अपने एल्बम पर उतार लिया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर एक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दो पर। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? यानी कि जब नागराजन का जो एल्बम है वो ज्यादा हिट हो गया था, ज्यादा फेमस हो गया था, तो राजप्पा के मन में की क्या दशा थी, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा था? चलिए इसका उत्तर पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा उड़ने लगा, यानी कि राजप्पा मन ही मन में दुखी होने लगा, मन ही मन में परेशान होने लगा, क्योंकि पहले तो राजप्पा के एल्बम को सब पूछते थे, अब नागराजन का एल्बम आने के बाद कोई भी राजप्पा से बातें नहीं करता था, ना कोई उसके एल्बम को देखता था, इसलिए वो मन ही मन दुखी रहने लगा। उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था, दूसरों से भी वह दूर रहने लगा, टिकट संग्रह में भी उसकी रुचि पहले जैसी न रही, वह हर वक्त अपना एल्बम हाथ में लिए बैठा रहता
उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किए थे उन्हें वही उसे कूड़ा लगने लगे। देखो बच्चों, नागराजन का जब एल्बम हिट हो गया तो चराजप्पा मन ही मन में दुखी रहने लगा था, और वह स्कूल जाना भी नहीं चाहता था। उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो सब राजप्पा के आगे पीछे ही घूमेंगे। सब राजप्पा को ही एल्बम को नागराजन के आगे पीछे घूमेंगे, नागराजन के एल्बम को ही देखेंगे, राजप्पा से तो कोई बात ही नहीं करेगा। और वह जो उसके दोस्त थे वह अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा था, अपने किसी भी दोस्त से बातचीत नहीं करता था। टिकट संग्रह यानी कि जो टिकट करने में उसकी रुचि थी, यानी कि उसे इतनी लगन थी कि वो स्कूल से आते ही टिकट इकट्ठा करने में लग जाता था। स्कूल में भी यही काम करता था, यानी टिकटों को इकट्ठा करने में भी अब उसकी रुचि पहले जैसी नहीं रही। वह हर वक्त यानी कि हर समय अपने एल्बम को अपने हाथ में लेके बैठा रहता और बार बार उस एल्बम को ही देखता रहता। अब उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, वह अपने ही एल्बम से चिढ़ने लगा था। जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र मतलब बेटा इकट्ठे किए थे, जो टिकट उसने इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे, अब वही टिकट वही एल्बम उसे एक कूड़े के जैसे लगने लगे कि यह तो बेकार है, यह किसी काम की नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? जैसा कि हमने बेटा पाठ में पढ़ लिया था ना कि नागराजन की एल्बम राजप्पा ने ही चुराई थी, तो वह यही कह रहा है जब वो राजप्पा की नागराजन की एल्बम चुरा रहा था तो उसकी मन की स्थिति यानी कि वो मानसिक स्थिति किससे मतलब है बेटा, मन की स्थिति यानी कि उसके मन में क्या क्या बातें चल रही थी। चलिए उत्तर पढ़ते हैं इसका। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो एल्बम को चुरा रहा था तो उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर रहा था कहीं उसे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। एल्बम कमीज के नीचे घोंस कर वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा, यानी कि एल्बम को उसने अपने शर्ट के अंदर अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और वहां से अपने घर भागता हुआ वापिस आ गया। उसका शरीर जल रहा था, यानी कि उसे ये लग रहा था कि उसका शरीर किसी चीज से जल रहा है। उसका गला सूख गया था और चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था, यानी कि बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। रात का खाना भी वह नहीं खा सका और उसे इतनी परेशानी हो रही थी, उसे इतनी चिंता हो रही थी कि उसने रात का खाना भी नहीं खाया। उसकी सूरत बिल्कुल डरावनी हो गई, यानी कि उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए, यानी कि घर में जो भी लोग उसके घर में रहते थे सभी देखकर उसकी चिंता करने लगे कि ऐसे राजप्पा को क्या हो गया है, ये ऐसे डरा डरा सा क्यों है। रात में उसे नींद भी नहीं आई और एल्बम को तकिए के नीचे रख कर ही वह सो गया। देखो बच्चों, जब वह नागराजन का एल्बम चुरा रहा था तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, अगर किसी ने उसे देख लिया तो सब तुझे क्या बोलेंगे। उसने एल्बम को अपनी कमीज यानी कि अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया और भागता हुआ अपने घर आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शरीर जल रहा, उसके शरीर में आग सी लगी हुई है और उसका गला बिल्कुल सूख गया था डर के मारे, और चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था, और उसे रात को भूख भी नहीं लगी। उस चिंता में उसने रात को खाना भी नहीं खाया, उसे रात को भूख भी नहीं लग रही थी, और जो उसकी सूरत है यानी कि जो उसकी शक्ल है वो बिल्कुल भयानक यानी कि डरावनी सी हो गई थी। घर के लोग उसे देखकर बहुत परेशान हो गए थे, बहुत
चिंतित हो गए थे और रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं, यानी कि रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाए कि कहीं कोई एल्बम को देख ना ले। और एल्बम को तकिए के नीचे रख कर ही वह सो गया, और अपने तकिए के नीचे वह एल्बम रखी और उधर सो गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4। चलिए बच्चों, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अब देखो बेटा, जब राजप्पा नागराजन का एल्बम चुरा के लाया था तो उसने उसे अंगीठी में क्यों डाला? अंगीठी होती बेटा जिसमें हम आग जलाते हैं, उसमें हम पानी गर्म करते हैं, खाना भी बना सकते हैं, उसमें आग जलती है। तो उसने अंगीठी में यानी कि जलती हुई आग में उसका एल्बम क्यों जला दिया, अंगीठी में एल्बम क्यों डाल दी? चलिए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। जो नागराजन के पिता हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। अप्पू ने राजप्पा को बताया था, यानी कि जो अप्पू है उसने राजप्पा को बताया था कि वह एल्बम खोने की सूचना पुलिस को देने वाले हैं, यानी कि जो उसके नागराजन की एल्बम खो गई है उसके बारे में वो पुलिस को बताने वाले हैं। राजप्पा यह सोचकर बहुत ज्यादा डर गया कि पुलिस की तलाशी लेने पर अगर पुलिस आ गई और पुलिस ने एल्बम को ढूंढ लिया तो ये सारी बातें, क्यों वह तो फिर पकड़ा जाएगा। तो ये सारी बातें सोचकर और वह घबरा गया, और उसने घबरा कर डर कर नागराजन का जो एल्बम था वो अंगीठी में डाल दिया। उसने सोचा अगर एल्बम को मैं अंगीठी में डाल दूंगा एल्बम जल जाएगा और किसी को मिलेगा ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि एल्बम को मैंने चुराया है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? यानी कि लेखक कौन है बच्चों जिसने इस कहानी को लिखा है? उसने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? क्यों की है बच्चों उसने मधुमक्खी से उसकी तुलना? चलिए जानते हैं। जिस तरह मधुमक्खी दिन रात एक करके अपना शहद इकट्ठा करती हैं, उसी तरह राजप्पा से भी सब कुछ भूलकर टिकट इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता। वह सुबह 8 बजे ही टिकट की खोज में निकल जाता। मीलों पैदल चलकर वह अपने टिकट इकट्ठा करने वाले दोस्तों के पास जाता और टिकट दो टिकट को देकर एक दूसरा नया टिकट ले लेता। उसकी इसी धुन के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। देखो बच्चों, जिस तरह मधुमक्खी यानी कि बेटा मधुमक्खी भी क्या करती है, वो ना ही तो दिन देखती है ना ही वो रात देखती है। जब भी वो करती है देखो बच्चों, ना ही तो वो दिन देखेगी ना ही वो रात को देखती है। वो सिर्फ क्या करती है, शहद को इकट्ठा करने में लगी रहती है। ना ही उसे ये कि सुबह है, शाम है, रात है, अंधेरा है, रोशनी है, कुछ भी है। उसका काम सिर्फ क्या है, शहद को इकट्ठा करने में ही लगी रहती है। उसी तरह राजप्पा भी एक टिकट इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता था। ना ही वो सुबह देखता था, ना ही शाम, ना ही उसे भूख लगती थी, ना ही वो प्यास लगती थी, ना ही वो ठीक से खाना खाता था, ना ही वो ठीक से अपनी पढ़ाई करता था। वो भी बिल्कुल मधुमक्खी की तरह सिर्फ सब कुछ भूल कर, सभी कामों को छोड़कर एक टिकट इकट्ठा करने के पीछे ही लगा रहता था। वह सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाता टिकट की खोज करने में, यानी कि टिकट को लाने में, टिकट को ढूंढने में। मीलों यानी कि बहुत सारी मीलों पैदल चलकर उनके टिकट जहां पर उनके दोस्त रहते थे ना, जो टिकट इकट्ठा करते थे, मीलों पैदल चलकर जाता और दो टिकट के बदले में एक नया टिकट लेकर आता। इसी धुन के कारण, यानी कि जिस प्रकार मधुमक्खी अपनी धुन में लगी रहती है, ऐसे ही राजप्पा अपनी भी धुन में लगा हुआ था। और उसकी इसी धुन के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। लेखक ने उसकी तुलना किससे की है, मधुमक्खी से की है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कहानी के प्रश्न। कौन से प्रश्न थे?
कहानी के प्रश्न एक बार हम इनको फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, कहानी के प्रश्नों को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? यानी कि नागराजन का जो एल्बम का पहला पेज था, मुख्य पेज था, उस पर ऐसा क्या लिखा था और कक्षा के दूसरे लड़कियों पर उसका क्या असर पड़ रहा था? तो बेटा देखो क्या लिखा था। सबसे पहले तो उसका नाम लिखा हुआ था ए एम नागराजन, और नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा नहीं कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो कौन है? बिल्कुल ही बेशरम है। और जो ऊपर नाम लिखा है कि ए एम नागराजन, जो नाम लिखा, क्या तुमने कभी इसको देखा है? और यह एल्बम क्या है? मेरा है। जब तक घास हरी रहेगी और कमल लाल रहेगा, बेटा वो तो हमेशा तक रहेगा। सूरज जब तक पूरब से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा, तो ये भी हमेशा तक ही रहेगा। जब तक हमारी दुनिया रहेगी, जब तक हमारा ये जीवन चलता रहेगा, तब तक बच्चों ये सारे काम ऐसे ही होते रहेंगे। उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। और उसने कहा है जब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी, ये तो बेटा बिल्कुल तब तक दुनिया रहेगी तब तक होगी। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, जब तक ये दुनिया है, जब तक मेरा जीवन है, जब तक ये जिंदगी है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, जब तक ये जीवन चल रहा है, तब तक ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। इन पंक्तियों को लिखने का मतलब सिर्फ यही है, लिखने का कारण सिर्फ यही है कि इस एल्बम को कोई नहीं चुराएगा। लड़के लड़कियों को यह पंक्तियां, यह लाइनें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी कॉपी किताब में इस लाइनों को उतार लिया। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? पहले किसका एल्बम हिट था? राजप्पा का। लेकिन अब राजप्पा का एल्बम तो पुराना हो गया था, तो नागराजन का नया एल्बम आया था, तो इस वजह से नागराजन का एल्बम बिल्कुल हिट हो गया था। तो इसी वजह से नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने से राजप्पा के मन में क्या चल रहा था, चलिए जानते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा, यानी कि मन ही मन दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। जो उसके दोस्त थे वह उनसे भी बातें नहीं करता, अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा था, वह दुखी रहने लगा था, परेशान रहने लगा था। और जो टिकट इकट्ठा करने में उसकी रुचि थी, जैसे कि बेटा हमने पढ़ा है टिकट इकट्ठा करने में, जैसे कि सुबह 8 बजे घर से निकल जाता, दुनिया लो पैदल चलता, 2 टिकटों के बदले में 1 टिकट लेकर आता। जो टिकटों को इकट्ठा करने में उसकी रुचि थी, अब उसकी रुचि भी पहले जैसी नहीं रही। अगर उसे मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह हर वक्त अपने उस एल्बम को अपने हाथ में लिए रहता और उसे बार बार देखता रहता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि सब उसके एल्बम को कोई भी नहीं देखता था, इसलिए उसे एल्बम अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी एल्बम से चिढ़ने लगा था। जो टिकट उसने इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे, अब वही टिकट उसे एक कूड़े जैसे दिखाई देने लगे थे कि यह एल्बम, यह टिकट सब बेकार हैं, ये किसी काम की चीजें नहीं है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? यानी कि जब राजप्पा ने नागराजन की एल्बम चुराई थी, तो उसके मन की क्या स्थिति थी, तो वो अपने मन में क्या सोच रहा था, चलिए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था।
यानी कि जब वो एल्बम चुरा रहा था तो उसका दिल क्या बहुत तेजी से धड़क रहा था, यानी कि वो डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। उसने एल्बम को अपनी कमीज यानी कि अपनी शर्ट के अंदर छुपाया और भागता हुआ अपने घर आ गया। भागता हुआ कहाँ आ गया? अपने घर आ गया। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है, उसके पूरे शरीर में आग सी लगी हुई है और उसका गला भी सूख गया है, उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी हुई थी और चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था। और चेहरा तो बिल्कुल तमतमा रहा था और यानी कि बिल्कुल डरा सा लग रहा था। रात का खाना भी वह नहीं खा सका और उसे इतनी चिंता हो रही थी, वह इतना डरा हुआ था कि उसे रात को भूख भी नहीं लगी, उसने रात को खाना भी नहीं खाया। उसकी सूरत बिल्कुल डरावनी सी हो गई थी। उसकी सूरत कैसी हो गई थी? डरावनी सी हो रही थी। और घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए, यानी कि घर के लोग उसकी इस हालत को देखकर, उसकी इस दशा को देखकर बिल्कुल ही चिंतित हो गए थे, बिल्कुल ही चिंता कर रहे थे। और उसे रात में नींद भी ठीक से नहीं आई, यानी कि वो रात को सो भी नहीं पाया और एल्बम को तकिए के नीचे ही रखकर सो गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अब देखो बच्चों, राजप्पा नागराजन का एल्बम चुरा के तो लाया था, लेकिन जब वो उसका एल्बम चुरा के लाया, उसे वो एल्बम मिल गया, फिर उसने वो एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? बच्चों अंगीठी होती है जिसमें हम आग जलाते हैं, उस पे हम पानी भी गर्म करते हैं, खाना भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम आग जलाते। उसे पता चला कि नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे, यानी कि उसे क्या पता लगा कि जो नागराजन के पिता है वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। और अप्पू ने राजप्पा को बताया था कि वह एल्बम, यानी कि नागराजन ने सबको बता दिया है कि मेरा एल्बम चोरी हो गया है। अब नागराजन के पिता कह रहे हैं कि मैं एल्बम चोरी होने की सूचना पुलिस वालों को दे दूंगा और पुलिस वाले अपने आप उस एल्बम को ढूंढ निकालेंगे। तो राजप्पा यही बात सोचकर बहुत ज्यादा डर गया था और पुलिस की तलाशी लेने पर पकड़ा जाएगा, फिर उसे क्या होगा, तो यही सब बातें सोचकर वह घबरा गया, डर गया और उसने डर के मारे नागराजन का एल्बम अंगीठी में डालकर जला दिया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? यानी कि मधुमक्खी की तुलना राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने से क्यों की गई है? चलिए पढ़ते हैं। जिस तरह मधुमक्खी दिन रात एक करके अपना शहद इकट्ठा करती है, यानी कि बच्चों देखो जिस प्रकार मधुमक्खी को कोई भी काम नहीं सूझता, ना ही वो दिन देखती है ना ही रात देखती है, सिर्फ शहद को इकट्ठा करने में लगी रहती है, उसी तरह राजप्पा भी ना ही तो दिन देखता है ना ही रात, ना ही उसे भूख लगती है ना ही उसे प्यास लगता है प्यास लगती है, और वो दिन रात एक करके सुबह शाम सिर्फ टिकट को ही इकट्ठा करने में लगा रहता है। वह सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाता है टिकट की खोज करने में, और वह जो दिन के दोस्त टिकट टिकट जो जो उसके दोस्त टिकट को इकट्ठा करते थे, वह मीलों पैदल चलकर वो दूर दूर तक पैदल चलकर उनके पास जाता और दो टिकट देकर एक दूसरा टिकट यानी कि एक नया टिकट ले लेता। उसकी इसी लगन और उसकी इसी धुन के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की, यानी कि जैसे मधुमक्खी भी सिर्फ अपने काम में ही लगन बना के रखती है, अपने काम में ही लगी रहती है, उसे किसी चीज की और चिंता नहीं होती, ऐसे ही राजप्पा भी टिकटों के पीछे लगा हुआ है, उसे भी किसी चीज का होश नहीं है। ये थे बच्चों हमारे कहानी के प्रश्न, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करेंगे हम कहानी से आगे के प्रश्न, भाषा की बात जो भी हमारे हैं, हम अगले वीडियो में इन सारे पाठ के सारे प्रश्न उत्तरों को पूरा कर देंगे। सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को एक बार पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगली वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ को समाप्त करेंगे और इसके भाषा अब कहानी के आगे से प्रश्नों को और भाषा के बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।